हमारा आनंद बात करने लायक कब तक हो जाएगा? अभी कुछ ही घंटों में, क्योंकि मेजर ऑपरेशन था ना, इसलिए 24 घंटे तक हमें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। बहुत प्यार करते हैं आपसे, बेहोशी में भी आपका ही नाम ले रहे थे। ठीक तो हो जाएंगे ना? डोंट वरी, अब ये खतरे से बाहर है। आप बहुत किस्मत वाले हो, आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट है, कितना ख्याल है फैमिली को इनका। टाइम पर ऑपरेशन करवाया और रात भर बाहर खड़े रहे। हमारे सीनियर्स का भी फोन आ गया था, रॉयल ट्रीटमेंट मिला इन्हें। अनंत आज यहाँ है तुम्हारे घर, और अगर उसकी सांसें चल रही हैं तो हमारे घर। मैं सोच रही थी घर होके आती, नव्या के लिए कुछ कपड़े भी ले आऊंगी और कि सबके लिए कुछ खाना भी। रात से सभी यही है ना। नव्या, तुझे इस हालत में छोड़ के जाना। आंटी डोंट वरी, आप और रेणुका दी चली जाइए, और वैसे भी हर्ष और कितने देर तक गुड़िया को संभालेगा, और हम है ना यहाँ पे नव्या के साथ, आप टेंशन मत लीजिए। बेटा तुम लोग भी तो थक गए हो। इट्स ओके आंटी, आप जाकर आइए, जब आप वापस आएंगे तब हम चले जाएंगे। साथियों घर हो के, तब तक अपना ख्याल रखना। मैं घर होके आती हूँ। आराम से आंटी, आप भी थोड़ा आराम कर लीजिएगा, हम सब हैं यहाँ पे। ऑप्शन तो हो गया है ना, कब चाय तो पी ले। मन नहीं है। देख अनंत अभी खतरे से बाहर है ना, बस 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन में है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तो कुछ खा ले। प्लीज आपकी इज्जत मत, सच में मेरा मन नहीं है। प्लीज अभी अभी तो यही थी। वो नव्या मेरे साथ कैंटीन में गई थी, फिर जब उसको पता चला कि तुम्हें होश आया है तो उसने कहा कि मैं कुछ खा के आती हूँ, क्योंकि रात भर उसने कुछ भी नहीं खाया था। नव्या, अच्छा लगा तुम्हें हमारी बात समझ में आ गई। सुबह का भूला शाम को घर वापस आ गया। इतनी गलतियां करने के बाद तुम्हें ही तो पता लगा कि अनंत की भलाई तुमसे दूर रहने में है।